हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि वास्तविक संख्या का पार्ट 5 वीडियो है और प्रश्नावली 1.1 है। अगर आप इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप पार्ट 1, 2, 3 और 4 वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें एग्जाम्पल के बारे में बताया हूँ और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताया हूँ प्रश्नावली 1.1 के। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में, फ्रेंड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में इसी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वाले वीडियो को, एग्जाम्पल वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप जाकर डाउनलोड मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर लिखा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वह 6q+1 के फॉर्म के भी होते हैं, 6q+3 के फॉर्म के भी होते हैं और 6q+5 के भी फॉर्म होते हैं। और q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, मतलब पूर्णांक निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो क्यों कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, तो पूर्णांक है क्यों। और जो जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब जो पूर्णांक कैसा है, धनात्मक है और क्या है, विषम है, ठीक है। तो वह 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं, माना क्या पूछा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, तो विषम संख्या क्या क्या होता है, वही क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है, ठीक है। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, हाँ, और 15 के बाद 17, ठीक है। चाहे तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आप बीच छोड़ सकते हैं या इससे कम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वह 6q+1 के फॉर्म के होते हैं, 6q+3 के भी फॉर्म होते हैं और 6q+5 के भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया, 6 है ना, तो आप यूक्लिड विभाजन पढ़े होंगे कि उसमें क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो हमें जो यहाँ पर 6 दिया है, इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, भाजक बनाना पड़ेगा, यानी कि जब भाजक बनाएंगे तो हम 6 को भाजक बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इन नंबर हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। जब 1 का भाग 6 में देंगे तो कितना होगा, भाग नहीं जाएगा ना, तो यहां पर 0 बन जाएगा, 0 कर देंगे, यहां पर भी 0 कर देंगे और यहां पर शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहां पर उसके बाद 3 में किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे, तो यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, शेषफल 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 में 6 का भाग देंगे, जब 5 में 6 का भाग देंगे तो कितना होगा, 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद किस में देंगे, 7 में देंगे, तो 7 हो जाएगा और यहाँ पर 6, तो भाग देंगे कितना होगा, 6×9 हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भाग देना है। तो उसके बाद हम 9 में देंगे, 9 में देंगे, तो 9 में 6 का भाग देंगे तो कितना होगा, 9×6×9 6, 9 में 6 जा
तीन होगा। उसके बाद 11 में किस किसका देंगे, 6 का कितना होगा, 11 6 का 9 6 होगा और 11 में 6 जाए 5 होगा, यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद 13 है, 13 लिखेंगे और इसमें 6 से भाग देंगे, कितना होगा, 6 दूनी 12 होगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 15 में देंगे तो 6 में 15 का भाग देंगे, कितना होगा, 6 दूनी 12 होगा और यहाँ पर 3 होगा। और उसके बाद 17 में देंगे इसमें तो कितना होगा, 17 उसके बाद 6 के से भाग देंगे, कितना होगा, 6 दूनी 12 होगा और यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, ठीक है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें इसमें क्या है, भाजक क्या है 6 है, भाज्य क्या है 1 है, भागफल क्या है 0 है और शेषफल क्या है 1 है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है, ठीक है। तो इसमें भाज्य क्या है, भाज्य 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, भाजक क्या है 6 है तो 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, गुणे है तो गुणे लगा देंगे, ठीक है। और भागफल क्या है 0 है तो 0 लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या है 1 है 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रोसेस को यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर भाज्य क्या है 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, भाजक 6 है तो 6 लिखेंगे, गुणे शेषफल क्या, भागफल क्या है 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या है 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। उसके बाद ये 5 है तो 5 क्या है, भाज्य है तो यहाँ पर भाज्य के नीचे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। और भागफल क्या है, भागफल क्या है, भाजक क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। और भागफल 0 है 0 लिखेंगे। और शेषफल क्या है 5 है ना तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5 के बाद क्या है 7 है तो 7 क्या है, भाज्य है तो भाज्य यहाँ पर लिख देंगे। और भाजक क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। और भागफल क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और यहाँ पर शेषफल क्या है 1 है तो यहाँ पर प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, उस 7 के बाद क्या है 9 है, 9 क्या है भाज्य है तो भाज्य यहाँ लिख देंगे। और भाजक क्या है 6 है ना, 6 है भाजक है तो यहाँ पर हम भाजक 6 कर देंगे। और यहाँ पर भागफल क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या है 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। 9 के बाद क्या आता है 11, 11 क्या है भाज्य है तो 11 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 6 क्या है, भाजक है तो भाजक लिखेंगे। और यहाँ पर भागफल क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस शेषफल क्या है 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 11 के बाद क्या आता है 13, 13 क्या है भाज्य है, उसके बाद भाजक क्या है 6 है, 6 लिखेंगे, गुणे भागफल क्या है 2 है, 2 लिखेंगे। अब प्लस शेषफल क्या है, शेषफल है 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 13 के बाद क्या आता है 15 आता है तो 15 में क्या है, 15 क्या है भाज्य है, भागफल भाजक क्या है 6 है, 6 लिखेंगे, भागफल क्या है, भागफल है 2 है, 2 लिखेंगे। अब प्लस शेषफल क्या है 3 है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 15 के बाद आता है 17, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे, भाज्य क्या है 17 है, भाजक क्या है 6 है, ठीक है। और भागफल क्या है 2 है, 2 लिखेंगे। अब प्लस शेषफल क्या है 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको जिसमें शेषफल 1 बचा है उसको अलग लिखना है, जिसमें शेषफल 3 बचा है उसको अलग लिखना है, और जिसमें शेषफल 5 बचा है उसको हम अलग लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जिसमें जिसमें शेषफल 1 बचा है उसको हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो 1 किसमें बचा है, यहाँ पर 1 है,
उसके बाद यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है, ठीक है। तो कौन कौन सा नंबर है, एक के बाद तीन को छोड़कर पाँच है, उसके बाद सात को छोड़ ए, मतलब सात छोड़कर ना उसके बाद 11 पे, ठीक है। तो ऐसे ही है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, तो किस नंबर पे है, एक पे है, उसके बाद पाँच पे है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 13 पे है, ठीक है, सॉरी 13 पे है, 11 पे नहीं है, 13 पे है, ठीक है। तो इसको हम अलग से नोट कर देंगे, तो चलिए नोट करते हैं। तो हमने क्या किया है कि जिसमें शेषफल 1 बचा था उसको मैं अलग से नोट कर लिया, नोट करने पे 1 आया तो 6 × 0 + 1 = 7 आएगा, उसके बाद जिसमें जिसका शेषफल 1 बचेगा तो आएगा 6 × 1 + 1, ठीक है। 1 का मतलब है मतलब इसको सॉल्व करने पर 1 आया, 6 में 0 करेंगे 0 होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 1 होगा, उसके बाद यहाँ पर 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 होगा, और 1 प्लस करेंगे 7 होगा, और यहाँ पर 6 में 2 का गुणा करेंगे 12 होगा, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 होगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो देखिए भाज इसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, ठीक है, इसे भाज्य बोलते हैं, और इसे भागफल बोलते हैं, और इसे शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर 6 है सेम ही आएगा, मतलब आगे कितना भी हम नंबर बढ़ाते जाएं तो जो भाज्य है मतलब जो भाजक है वह सेम ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर 0 आया है, 1 आया है, यहाँ पर 2 आया है, आगे जब इसे 13 के बाद यहाँ पर लिखेंगे 15 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, उसके बाद 15 के बाद यहाँ पर 17 लिखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब बढ़ेगा तो इसे अनंत बार जितना भी हम यहाँ पर नंबर बढ़ाते जाएंगे वहाँ पर यह बढ़ता चला जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो शेषफल है वह भी कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पर जो कांस्टेंट था मतलब जो भाजक की तरह कांस्टेंट है 6 है, यहाँ पर भी वैसे ही शेषफल भी आ रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, यानी कि 6 है तो यहाँ पर जितना भी नंबर यहाँ मतलब रख दें तो 6 ही आने वाला है, और यहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4 मतलब ऐसे आगे नंबर जब बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे मतलब गिनती टाइप का ऐसे बढ़ता आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं, क्योंकि क्यों क्या है, यही तो पूर्णांक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यही पूर्णांक है, और प्लस यहाँ पर क्या है विषम है, मतलब ऐसे मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 आता ही रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 6³ + 1 तो क्या हो जाएगा 6 में क्यू का गुणा करेंगे 6³ + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, जो धनात्मक जो विषम पूर्णांक थे वह 6³ + 1 के फॉर्म के थे, और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, क्या क्यू कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, और Q का मान क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ अनंत बार ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो हमने एक प्रूव कर लिया कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक थे, जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वह 6³ + 1 के फॉर्म के होते हैं, हमने यह प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हम प्रूव करने वाले हैं कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वह 6³ + 3 के फॉर्म के भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको जिसमें शेषफल 3 बचा था उसको हम एक साइड करेंगे, ठीक है। तो 3 कहाँ कहाँ बचा है, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर देख लें, 3 यहाँ बचा है तो इसका जो भाज्य है 3 है, ठीक है। उसके बाद 3, 9 ठीक है, 3 के बाद 9 पे है, 9 के बाद किस पे बचा है 15 पे है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे तो क्या क्या बचा है तो हमने हम एक पेज पे नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसका शेषफल 3 बचा था उसको मैंने एक पेज पे नोट कर दिया, तो यहाँ पर 3 का शेषफल 3 बचा था, 9 का शेषफल 3 बचा था, और 15 का शेषफल 3 बचा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो 6 है वह कांस्टेंट ही रहेगा, आगे हम कितना भी नंबर बढ़ा लें, ठीक है, वह कांस्टेंट ही रहने वाला है। देखिए यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर है 6 का गैप, और यहाँ पर भी है 6 का गैप, फिर आगे 6 का गैप करेंगे तो 6 की गैप वाली संख्या लिखेंगे, यानी कि एक 15 6 कितना होगा,
21 होगा, तो 21 जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर शेषफल 3 ही आएगा, उसके बाद 21 के बाद 6 का गैप करेंगे यानी कि 27 लिखेंगे तब भी शेषफल 3 आएगा, यानी कि हम ऐसे नंबर 6 के गैप देकर अगर संख्या आगे लिखते जाएं तो यहाँ पर 6 ही आने वाला है, क्योंकि कॉन्स्टेंट मतलब यह आगे जितना भी यहाँ पर नंबर हम बढ़ाते जाएं यहाँ पर 6 ही आने वाला है। और यहाँ पर भी आप नोटिस कर रहे होंगे अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो जो भागफल आता है वह 2 आता है, 0 आता है। अगर 9 लिखते हैं तो यहाँ पर शेषफल 1 आता है। 15 लिखते हैं तो यहाँ पर शेषफल 2 आता है। 21 लिखेंगे तो 3 आएगा मतलब, और 27 लिखेंगे तो 4 आएगा। तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, एक नंबरिंग फॉर्म में हो जाएगा। तो इसे हम मान लेंगे क्यू, जो कि यही तो पूर्णांक है 0, 1, 2, 3, 4, तो इसे हम क्यू मानेंगे। और यहाँ पर भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो शेषफल है वो कांस्टेंट ही रह रहा है, इसके वजह से ये कांस्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी नंबर बढ़ाएं तो शेषफल वही आना आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 6 क्यू प्लस 3 कर देंगे और लिखेंगे जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई पूर्णांक है और क्यू का मान क्या है वही है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत बार ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो हमने यह भी प्रूव कर लिया कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वह 6 क्यू प्लस 3 के फॉर्म के भी होते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वह 6 क्यू प्लस 5 के भी फॉर्म होते हैं। तो चलिए इसे भी हम प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो अब जिसमें शेषफल 5 बचा है उसको हम एक साइड करेंगे, ठीक है। तो 5 यहाँ पर भी बचा है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ बचा है, जो शेषफल 5 है तो 5 पे बचा है, 5 के बाद किस पे है 11 पे, तो 5 के बाद 11, 11 के बाद किस पे है 17 पे है, ठीक है। तो हमने इसे अलग पेज पे नोट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, जिसका शेषफल 5 बच रहा था उसको मैंने एक पेज पर नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ पर हम 5 लिए तो इसका भी शेषफल 5 बचा है, 11 लिए हैं तो इसका भी शेषफल क्या बचा है 5 बचा है, और 17 लिए हैं तो इसका भी शेषफल 5 बचा है। तो इसके इसके बीच में कितना गैप है, 5 और 11 के मध्य कितना गैप है, तो 6 का गैप, और 11 और 17 के मध्य भी 6 का गैप। उसके बाद जब 17 में 6 का गैप करेंगे तो क्या आएगा, तो 7, 6, 13, 23 आएगा, ठीक है। उसके बाद 23 में 6 का गैप करेंगे कितना होगा, 6, 3, 9, 29 होगा। हाँ, तो अगर हम 23 का भी करते हैं तो शेषफल तभी 5 बचेगा, और 29 का करते हैं शेषफल तभी 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप उसी मतलब जैसे मैं उसको प्रूफ किया था, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर 6 है वह कॉन्स्टेंट है, यानी कि जितना भी नंबर हम 17 के बाद 23 लिख दें तब भी जो भाजक है वह 6 ही रहने वाला है, 29 लिख दें तब भी जो भाजक है वह 6 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हम 6 नोट कर देंगे। और यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर 0 है, 11 लिख रहे हैं तो 2 एक जो भागफल है 1 आ रहा है, 17 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भागफल जो है 2 आ रहा है, 23 लिखेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 29 लिखेंगे तो शेषफल 4 आ जाएगा। यानी कि जितना नंबर हम बढ़ाते जाएंगे यह एक नंबरिंग फॉर्म में होता जाएगा, मतलब नंबर के हिसाब से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम क्या मान लेंगे, क्यों मानेंगे। और यहाँ पर भी जितना, और शेषफल में क्या है, यहाँ पर भी देख रहे हैं यहाँ पर भी शेषफल 5 बचा है, यहाँ पर भी बचा है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जितना भी नंबर बढ़ाते जाएं शेषफल 5 ही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, तो 6 में क्यू का गुणा करेंगे 6 क्यू हो जाएगा, अब प्लस 5 हो जाएगा, और उसी प्रक्रिया लिखेंगे जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई पूर्णांक है, और लिखेंगे जहाँ और क्यू लिख देंगे क्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत बार होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है
जिसमें वे मार्च करते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक परेड है और जिसमें कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, ठीक है। और उसमें बोल रहा है कि एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो आर्मी बैंड कितना है, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं परेड में सदस्यों की संख्या, तो क्या लिखेंगे, परेड में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या तो कितना हो जाएगा, 616 है तो 616 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो कितने सदस्य वाले, 32, तो यहाँ पर मार्च करना है, लिखेंगे मार्च करना है, तो 32 सदस्य वाली टीम मतलब के पीछे। तो बोला है कि जिस दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करना है, तो अधिक मतलब बताना है स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ भी अधिकतम पूछ ले, ठीक है, अधिकतम बताइए, तो उसको समझ लेना कि वह उसको आपको SCF फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, मौसा फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 32 है, तो 32 में किसका भाग देंगे, 616 में 32 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, तो कितने बार में जाएगा, तो अगर हम 32 नौ बार करते हैं, 32 नवा कितना होगा, 9 दुनिया 18 का 8, ठीक है, हासिल लगा 1, और 9 त्रिक 27 एक 28, ठीक है। तो नहीं, एक बार में करते हैं ना, 32 दुनिया 64, तो एक बार में चला जाएगा 32 से करना 32, और यहाँ पर 11 में से 2 जा, 11 में 2 जा 9 होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 में से 3 जा, 5 + 3 = 2, ठीक है, 29 बचेगा, उसके बाद 6 को नोट कर देंगे, तो कितना होगा, 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा, 288 है, यहाँ पर 296 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 9 बार में 288 होगा, ठीक है, तो 16 में से 8 या 8 होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो यही क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, 616, तो यहाँ पर 616 लिखेंगे, और भाजक क्या है, 32 है, तो यहाँ पर 32 लिखेंगे, और भागफल 19 है, 19 लिखेंगे, और प्लस शेषफल है 8 है, तो 8 लिखेंगे, और यहाँ पर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो रिमाइंडर का वैल्यू है, जो शेषफल का वैल्यू है, वह 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है, तो शेषफल को हम क्या बनाते थे, भाजक बनाते थे, यानी कि शेषफल 8 है, इसे हम क्या बनाएंगे, भाजक, और यहाँ पर भाजक जो 32 दिया है, इसे हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, तो कितना होगा, 8 चौक 32 होगा, और यहाँ पर 32 हो जाएगा, और यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पुनः क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है, यही होता है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, भाज्य क्या है, 32, तो 32 लिखेंगे, भाजक 8 है, भागफल क्या है, 4 है, अब प्लस शेषफल क्या है, 0 है, और यहाँ पर r बराबर क्या है, 0 है, यानी कि जो रिमाइंडर का वैल्यू है 0 है। तो जब रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो जाता है, तो SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मसा क्या होता है, मसा जो जिसपे भाज जिससे जिस भाजक से शेषफल 0 आया है, वही क्या होता है, SCF होता है, यानी कि SCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो SCF 8 हो जाएगा, तो यही आंसर है। तो क्या पूछा था कि अधिकतम मतलब
स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा था, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, ठीक है, जिसमें वह मार्च करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू।